इनको बिग बॉस में भी देखा, आपने इनको इमली भी देखा, जब भी आप आती है ना तो खट्टी मीठी यादें आ जाती है साथ में हमारे। कांग्रेचुलेशन सुबुल फॉर अचीविंग दिस अवार्ड ऑफ ऑनर एंड बीइंग द यंग अचीवर फीमेल इमली फॉर द बिग बॉस ऑफ कोर्स। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, कैन यू हैव अ ह्यूज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वंडरफुल वुमन वी हैव ऑन स्टेज। मुझे वो बस कुछ नहीं है, बस जैसे ही काम करती रहती हूँ अंदर से खुशी मिलती रहती है। एंड बहुत ऐसा होता है कि यूजुअली कोई भी इंसान होता है, बहुत मुश्किल होता है कुछ सिचुएशंस के बाद अपने आप को समझना कि आप ऐसे ही हो। बहुत लोग कोशिश करते हैं आपको बदलने की, पर आपको मालूम है कि आप जैसे हो, आप जब वैसे ही रहोगे तब आपको अंदर से खुशी होगी। किसने कहा? ये मैं खुद मानती हूँ। आपको ये मुझे किसी ने कहा नहीं है ये चीज। नहीं एक्चुअली जैसे कि सबको मालूम मैं बिग बॉस में थी एंड वहां पे सबके लिए वो एक गेम था, सबको आगे बढ़ना था, तो वहां पे लोग आपको बहुत तरीके की चीजें फील कराने की कोशिश करते हैं, पर आपको अंदर से कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना पड़ता है कि मुझे कोई और नहीं बता सकता है कि मैं क्या हूँ। मैं खुद जानती हूँ कि मैं क्या हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी बहुत अच्छी हूँ। आप वंडर वुमन बनेगी क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं खुश, उसी कारण कि आपको क्या, व्हाट डू यू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ लेट्स से एज अ वुमन 10 इयर्स डाउन द लाइन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद चैट जीपीटी विद ऑल द डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग कमिंग इन, व्हाट रोल डू यू सी फॉर एक्टर्स एज अ वुमन गोइंग फॉरवर्ड? इतना मैंने कभी सोचा नहीं। सबसे पहले मुझे हमेशा से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए है कि मैं जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है जैसे कि एक्टिंग करना, वो मैं बस करती रहूं और पापा को प्राउड फील कराऊं हमेशा। एंड पापा बैठे हुए हैं सामने, वीडियो बना रहे हैं। अरे बाबा।